पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज है 3 मई। मेरा अब तक 30 ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अब भी कंफर्ट जोन में हैं? आप ये सोचेंगे कि कंफर्ट जोन क्या होता है। कंफर्ट जोन आपकी जिंदगी की वो आरामदायक स्थिति है जहां पर आपको सुकून तो मिलता है लेकिन अब तक आपके वो सपने पूरे नहीं हुए जिसे आपने कभी देखा था। दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि आपको शायद पूरी जिंदगी ही पता ना चले कि आप कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन में रहते हुए भी आपको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और वो नुकसान है आपके सबसे बड़े सपने की आहुति। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आप कंफर्ट जोन में हैं कि नहीं? तो दोस्तों, कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि आप कंफर्ट जोन में हैं या नहीं। कोई नया काम या थोड़े भी रिस्क वाला काम मिले तो उसका जवाब हमेशा ना में हो। कौन सा काम हो सकेगा और कौन सा नहीं, इसको आजमाए बिना ही इसके परिणाम को पहले से ही तय कर देना। नए लोगों से मिलने में हिचक, हमेशा अपने सपनों के ख्यालों में खोए रहना कि काश मैं ऐसा कर सकता या काश मैं ऐसा करूंगा। आप अपने सपने को पूरा तो करना चाहते हैं लेकिन हर बार ये बहाना बना लेते हैं कि ये काम हो जाए इसके बाद मैं अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी जिंदगी, आपके काम और आपके परिवार को लेकर आपके साथ कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है या शिकायत बनी रहती है तो आप समझ लीजिए कि आप कंफर्ट जोन में। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन में बने रहने के नुकसान क्या है, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तरक्की का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आत्मविश्वास की कमी, जब आप नए लोगों से नहीं मिलोगे, नए नए निर्णय नहीं लोगे तो जाहिर है कि आप किसी भी कार्य को करने से हिचकोगे और आप में आत्मविश्वास नहीं हो। दोस्तों, जीवन में रोमांच के लिए और जीवन में तरक्की करने के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी होता है लेकिन यदि आप परिवर्तन के लिए कभी भी प्रयास नहीं करोगे और हमेशा नकारात्मक सोच ही रखोगे कि हमेशा कुछ ना कुछ काम आपका बिगड़ेगा तो आप कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये कतई जरूरी नहीं कि परिवर्तन हमेशा बुरा ही हो लेकिन आप आराम के इतने आदि हो जाते हो कि आप परिवर्तन करने से डरने लगते हो। अब प्रश्न ये उठता है कि इस जोन से कैसे बाहर निकला जाए। तो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। महंगे सपनों को पूरा करने के लिए कीमत भी महंगी चुकानी पड़ती है। प्रगति के लिए आवश्यक बदलाव, ऐसे में रास्ते में चलना बहुत आसान होता है जो पहले से तैयार होता है लेकिन यदि आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको ऐसा रास्ता बनाना होगा जो दुनिया के लिए नया हो। बेहतर है कि आप खुद का एक नया रास्ता बनाए। इसका फायदा यह होगा कि आप वो काम करने के आदी हो जाएंगे जिसे कभी आप करने से डरते थे और जो आपको बहुत कठिन लगता था। सोना आग में तपकर कुंदन होता है। दोस्तों, जब हम इस जोन से बाहर आने लगते हैं तभी हमारी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। हम जानते हैं कि एक शांत समुद्र में कभी भी कोई अच्छा नाविक नहीं बन सकता। कंफर्ट जोन में रहने पर हम वही करते हैं जो आसान होता है और जिसका परिणाम हमें पहले से पता होता है लेकिन जब हम इस जोन से बाहर आते हैं तब हम नए नए रिस्क लेते हैं और नए नए कार्यों को करते हैं और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तब कोई भी आकस्मिक बदलाव या घटना हमें विचलित नहीं करती। हम उसके आदि हो जाते हैं और हम उससे निपटना अच्छी तरह जानने लगते हैं। तीसरा है आमूल चूल परिवर्तन नहीं। दोस्तों, यद्यपि कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है लेकिन यदि आप अपने कंफर्ट जोन से कुछ समय के लिए बाहर आ जाते हैं और कुछ समय बाद फिर वापस उसी दुनिया में आ जाते हैं तो आपका कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं कहलाएगा बल्कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से नए स्तर पर ले जाना कंफर्ट जोन से बाहर आना कहलाएगा। आप अपने डर पर काबू पाएं। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग तरह तरह की बातों में डरते हैं। हमारा 80% डर निराधार रहता है जो कभी वास्तव में जीवन में होता ही नहीं है।
दरअसल हम डर का एक ऐसा आवरण बना लेते हैं जिसमें रहकर हम सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको अगर डर से बाहर निकलना है तो आप वो काम कीजिए जो आपसे नहीं बनता है, और जब आप उस काम को करने लगेंगे तो आप में एक आत्मविश्वास पैदा होगा, एक नई प्रतिभा पैदा होगी। इस नई चुनौतियों को पूरा करने से आप सफलता की नई ऊंचाइयों को भी छूओगे। दोस्तों, अगर आप ये कहते हैं कि मैं सबसे मुश्किल काम करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यद्यपि गणित का मुश्किल काम करता है, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो एक पेशेवर व्यक्ति है, सीखा हुआ प्रशिक्षित व्यक्ति है, तो वो उसके लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं है। तो ये हो सकता है कि वो कंफर्ट जोन में ही रहकर अपना काम कर रहा हो, लेकिन यदि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया है। दोस्तों, कंफर्ट जोन में रहने से आनंद तो मिलता है और आपको आराम भी मिलता है, लेकिन आपकी तरक्की की सारी संभावनाएं बंद हो जाती हैं। रिस्क लेना, नए नए प्रयोग करना, नई चुनौतियों का सामना करना और हर काम में आगे आना, ये आपकी सफलता के नए द्वार खोलते हैं। इसलिए किसी भी नए काम से घबराइए मत, नए रिस्क लेने से घबराइए मत। आप यकीन मानिए, आप एक न एक दिन सफलता की नई ऊंचाइयां जरूर छुएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ नए नई प्रेरणा वाले इसी तरह के वीडियोस और आपको धक्का मारता हूँ सफलता की मंजिल में पहुँचने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।